पर मैं तुमसे एक हाथ जोड़ के विनती करूं, देखो ये हाथ जोड़। सो हेलो गाइज, हाल फिलहाल चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कंट्रोवर्सी यह है एलविश यादव वर्सेस जोगिंदर चल रहा था, उसके अंदर एडवर्ड ढाका भाई करके कुछ एक फंटर था जो कि जोगिंदर भाई का फैन था, आपको पता ही होगा। तो इन लोग ने बार बार एक ही टॉपिक पर कितनी बार पोक किया एलविश यादव को, उसके रिगार्डिंग एलविश यादव ने कुछ भी आंसर नहीं किया। तो उसके बाद एक्चुअली में हुआ क्या, एलविश यादव के जो फैन है, फैन लोग, उन लोग ने कमेंट सेक्शन में जाकर इन लोग की कह के ले ली, समझ रहे हो ना, ले ली पूरी तरह से। तो भाई इसके रिगार्डिंग इन लोग की फट के हाथ में चार हो गई। तो फिर इन लोग ने एलविश यादव को कुछ ये रिक्वेस्ट करी, तो आप जोड़ के भी देख रहे, देखो ये हाथ जोड़ रहा, आपके पास इतनी पब्लिक है, उनको थोड़ा रास्ता दिखाओ जिससे वे भी 2 रुपए कमाए। और भाई गाली गलौज मैं भी कर सकता हूँ, जैसे भाई एल्विस तो मदद करता है, भाई एल्विस तो करता पर और तो नहीं करते भाई। पता क्या, देखो हम एल्विस भाई को नहीं बोल रहे, लेकिन चाहे से ज्यादा केसरी एल्विस जो तेरा फंटर ना, इसे मेरा दिमाग घूम गया, 2-3 जो तू लेके घूमता क्या गया इनसे खोपड़ा हो गया। जोगिंदर भाई एक बात बताओ, चाय इतनी गर्म नहीं है जितनी केतली गर्म है, मतलब एलविस भाई को कुछ नहीं बोल रहा, उसकी केतलियां बहुत गर्म है यार। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब भाई अपना, सब भाईचारा में रहो, ठीक है। और भाई सुनो, हमें तो जाना बिग बॉस में भाई, एक बात सुना ऐसी, अब बिग बॉस में कभी गया तो भाई कुछ इस तरह से इन लोग ने पोक करते हुए वापस एलविश यादव को इस तरह कुछ बोला। तो आप लोग का क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता।